दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस घंटे के बटन को जरूर दबाना। दोस्तों यदि आप WhatsApp पर चैटिंग करने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो और WhatsApp पर बहुत ही ज़्यादा चैटिंग करते हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आज चैटिंग करने का एक नया तरीका बताने वाला हूँ, एक नया स्टाइल बताने वाला हूँ। यदि आप इस स्टाइल से चैटिंग करेंगे तो जो अगला बंदा है जिसके साथ आप चैटिंग कर रहे हो वो आपका फैन हो जाएगा, आपका एक तरीके से दीवाना हो जाएगा और आपसे ज़रूर पूछ लेगा कि यार ये इस तरह से चैटिंग आप कर कैसे रहे हो, है ना। इतनी ज़बरदस्त चैटिंग आज से आपकी होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि यदि एक भी सेटिंग आपसे रह जाती है तो आप शायद उस तरीके से चैटिंग ना कर पाए और अगले को इम्प्रेस ना कर पाए, है ना। तो अगले को इम्प्रेस करने के लिए, उसको अपना फैन बनाने के लिए, अपनी व्हाट्सएप पर चैटिंग के अंदाज को बदलने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक जरूर करके जाना। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने WhatsApp पर एक बंदे से चैटिंग करी हुई है। यहाँ पर मैंने WhatsApp अपना ओपन कर लिया, आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये चैटिंग लग रही है ना, कितने स्टाइलिश टेक्स्ट में, कितने अच्छे फॉन्ट में मैंने चैटिंग कर रखी है। इस तरीके से आप भी चैटिंग करके अगले को इम्प्रेस कर सकते हो, है ना, और जो है एक अलग ही काम कर सकते हो WhatsApp चैटिंग पर। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना इस वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फैंसी की कीबोर्ड कूल होंट। ओके, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन डाउनलोड करने से पहले इसकी कुछ सेटिंग समझ लीजिए जिससे कि आप इसके सारे फीचर आसानी से यूज़ कर पाए। सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा रहेगा स्विच टू फैंसी की कीबोर्ड, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले वाला जो फैंसी की है इस पर टिक लगाना है। ओके, आपके जो मोबाइल है उसमें कहीं और टिक लग रही होगी, जैसे मेरे मोबाइल में सैमसंग कीबोर्ड पे लग रही है, तो आपको यहाँ पर फैंसी की पर टिक कर देना है। ओके, इसके बाद अगला पेज खुलेगा और ये जो ऐप एप्लीकेशन पूरी तरह से वर्किंग में हो जाएगी। ओके, अब दोस्तों आपको करना क्या है, पहले एक छोटी सी सेटिंग कर लेनी है इसके अंदर। यहाँ पर सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सेटिंग कर लेनी है। ओके, आपको जाना है इसमें प्रिफ्रेंस वाले सेटिंग में। प्रिफ्रेंस वाले सेटिंग में जाएंगे और प्रिफ्रेंस वाले सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, ऑटो करेक्शन, सबसे पहले वाले सेटिंग। ओके, तो ऑटो करेक्शन को बंद कर देना है। उससे क्या होगा दोस्तों, आप लिखेंगे हेलो और वहाँ पे लिखा चला जाएगा हाउ आर यू, है ना, तो वो ऑटोमेटिक ना बताए, आपके शब्द गलत ना हो, तो पहले वाले सेटिंग को आप बंद कर देंगे। ओके दोस्तों, और इसके बाद अब आप बैक आ जाएंगे पूरी तरीके से। ओके, और बैक आने के बाद अब आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जिस तरीके से चैटिंग करते हैं उस तरीके से आ जाएंगे। अब आप यहां पर देखेंगे एक नया कीबोर्ड आ चुका है आपके मोबाइल के अंदर, इस तरह से जैसे अभी आप देख रहे हो इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर कोने में दबाएंगे, यहां पर ऐप लिखा दिखाई देगा, ऐप पर दबाएंगे। ओके, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कूल फॉन्ट का। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, इमोजी भी स्टाइल है ना, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो तरह तरह की, लेकिन मैं आपको सिर्फ फॉन्ट के लिए बताऊंगा जिससे कि आप अच्छी चैटिंग कर पाए। यहाँ पर कूल फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे फॉन्ट है, लेकिन रुकना अभी एक मिनट, ये बहुत सारे फॉन्ट है लेकिन मैं इसमें से वो फॉन्ट बताने वाला हूँ जो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा वायरल है, जिसको सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, वो फॉन्ट है ये फर्स्ट से सेकंड वाला बराबर की साइड, ये वाला। ओके, इसको आप यूज करेंगे। अब देख लेना, चले मैंने लिखा आई लव यू। ओके, तो आप देख सकते हो कितने मस्त तरीके से जो है लव यू लिखा गया है ना। जैसे मुझे लिखना है क्या हाल है आपके, क्या हाल है आपके, है ना, तो आप देख सकते हो कितने मस्त तरीके से लिखा गया है। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो दोबारा फिर ऐप पर दबाएंगे और वहीं पर जाएंगे कूल फॉन्ट पे, और यहाँ पर फिर दूसरा जो स्टाइल आपको लेना है वो स्टाइल आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेंगे अपना। जैसे मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ इस बार, बहुत सारे स्टाइल है यार, एक से एक है ना। चलिए मैंने ले लिया है ये वाला। ओके, इस बार देखना हाउ आर यू लिखता हूँ, हाउ आर यू, इस बार देख सकते हो आप अलग ही गया है ना। इस बार मैं दूसरा ले लूँगा यहाँ से। ओके, चलिए ये वाला ले लेते हैं, ये फैंसी है, ये बहुत अच्छा लगता है, फैंसी लिखते हैं मैं यहाँ पर, है ना,
फैंसी, आप देख सकते हो कितने मस्त तरीके से लिखा गया है। तो इस तरीके से आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो, और इसमें अदर सारे फीचर मिल जाएंगे जो एक कीबोर्ड में मिलते हैं, वो तो आप सभी लोगों को पता ही है ना। तो बाकी ये है, और इस तरीके से आप कर सकते थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लेना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।